वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की, और खास बात यह है कि इसमें अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आप 5वीं, 8वीं या 10वीं पास होने चाहिए कम से कम। और ये रिक्रूटमेंट हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश में। आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए तभी आप इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले और समय पर मिलती रहे। हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाए, वहां पर सर्च करें गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू और उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर 41 वैकेंट पद भरे जाने वाले हैं और ये पोस्ट क्लास 4 की रहने वाली है। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली पोस्ट यहां पर रहेगी प्यून की, इसके 4 पद रहने वाले हैं। एक पोस्ट यहां पर एससी के लिए रिजर्व रहेगी, एक पोस्ट यहां पर अनरिजर्व रहेगी, एक पोस्ट यहां पर एसटी आईआरडीपी के लिए रहेगी और एक पोस्ट यहां पर ओबीसी के लिए रिजर्व रहने वाली है। इसके लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से। अगर बात करें पे स्केल, वेजेस या सैलरी की, तो आपको यहाँ पर 250 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट हो रही है डेली वेजेस बेसिस पर। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। सेकंड पोस्ट यहाँ पर रहेगी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, 2 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें एक पोस्ट यहाँ पर अनरिजर्व मतलब कि जनरल के लिए रहेगी और एक पोस्ट यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रहने वाली है। इसके लिए आप कम से कम 8वीं पास होने चाहिए हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से, और इसके लिए भी आपको 250 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट यहां पर रहेगी स्टोर अटेंडेंट की, इसका एक पोस्ट रहेगा जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेगा। इसके लिए आप 8वीं पास होने चाहिए और आपको यहां पर भी 250 रुपीज पर डे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करने से पहले, आप अगर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से रिलीज की गई पोस्ट कोड 817 मतलब की JOIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट बाय कर सकते हैं और आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेगा 1000 HPG के MCQ PDF बिल्कुल फ्री। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इन 10 मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं। और जैसे आप इनको बाय करते हो, तो आपको आपके व्हाट्सएप पर या आपके ईमेल आईडी में ये मॉक टेस्ट सेंड किए जाएंगे विद 1000 प्लस HPG के MCQ PDF फाइल। और ये मॉक टेस्ट सीरीज नए पैटर्न पर आधारित है। यहां पर आपको 170 क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट में मिलने वाले हैं, जिसमें 120 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रहेंगे और 50 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल नॉलेज से। व्हाट्सएप पे लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9805015005, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बाय करने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इसको बाय भी कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर HPU, JOA और कृषि विश्वविद्यालय JOIT के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट यहां पर रहेगी चौकीदार की, चौकीदार के 26 पद भरे जाने वाले हैं, 10 पद यहां पर अनरिजर्व रहेंगे, 3 पद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 1 पोस्ट यहां पर अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, 6 पद एससी कैटेगरी के लिए, 4 पद ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट यहां पर ओबीसी आईआरडीपी के लिए। इसके लिए आप मिडिल पास मतलब कि 8वीं पास होने चाहिए, आपको यहां पर 250 रुपीज पर डे दिया जाएगा। माली के 8 पोस्ट यहां पर रहने वाली, जिसमें 2 पद अनरिजर्व रहेंगे, 1 पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट यहां पर ओबीसी आईआरडीपी के लिए रिजर्व रहने वाली है। इसके लिए आप प्राइमरी पास मतलब कि 5वीं पास होने चाहिए और आपको यहां पर पे स्केल दिया जाएगा, मतलब कि वेजेस 250 रुपए पर डे। आपकी एज 1 जनवरी 2020 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज यहां पर 45 इयर्स रहने वाली है। अगर बात करें HPU शिमला या कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर JOIT की, तो इसके लिए भी आपको यहां पर 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। यह भी नए पैटर्न पर आधारित है और यहां पर आपको एक मॉक टेस्ट में 85 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चन यहां पर कंप्यूटर के रहेंगे और 25 क्वेश्चंस यहां पर आपको जीके के रहने वाले हैं। और इसके साथ भी आपको यहां पर 1000 प्लस HPG के MCQ वाली PDF फाइल बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी 2021। अगर बात करें ट्राइबल एरियाज की, तो इसके लिए लास्ट डेट रहेगी 27 जनवरी 2021। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट ऐड करना है और उसको कहाँ सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यह सेंड करना है द डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। पिन कोड यहाँ करेगा 175018। अगर आप आसपास में रहते हो तो आप यहाँ पर बाय हैंड भी जमा कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0190726672। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी सेंड करने होंगे और आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर एक और फॉर्म मिलेगा जो कि आपका रहेगा इवेल्युएशन फॉर्म। वहाँ पर आपको सब कुछ लिखना होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका जो इवेल्युएशन 15 नंबर का होता है उसके लिए अलग सा फॉर्म आपको यहाँ पर मिलने वाला है, उसको पूरा फिल करके आपको वो भी सेंड करना होगा और उसको सपोर्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट भी ऐड करके सेंड करने होंगे। आप इसे स्पीड पोस्ट या बाय हैंड जमा कर सकते हैं।